छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत। पुलिस ने मोबाइल के लास्ट डायल नंबर पर फोन किया तो गर्लफ्रेंड ने बताया नाम पता। बलौदा बाजार जिले के पलारी में बुधवार को हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। एक दूसरे एक्सीडेंट में दो लोग घायल हुए हैं। पहली घटना में कोदवाई मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो भाइयों की मौत हो गई। दूसरी घटना में बुधवार शाम 4:30 बजे घोटिया मोड़ पर रेत लेने महानदी जा रहे खाली हाइवा ने बाइक सवार पति पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों गंभीर हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम पिरदा मंदिर हसौद निवासी युवक दीपक कोसले 20 वर्ष और उसका फुफेरा भाई आदित्य बंजारे 19 वर्ष ग्राम दुमहा थाना खरोरा अपने रिश्तेदार के घर ग्राम पनगांव बलौदा बाजार से रायपुर के लिए निकले। दोनों भाई बाइक पर सवार थे और किसी काम से राजधानी रायपुर आने के लिए निकले थे। तभी पनगांव से 30 किलोमीटर दूर कोदवाई मोड़ पर सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाई सड़क से करीब 20 फीट की दूरी पर जा गिरे। दोनों युवक सड़क किनारे लगे दिशा सूचक से जा टकराए, जिसके कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक रायपुर के किसी होटल में काम करते हैं। वे मंगलवार शाम को अपने मालिक से पूजा में शामिल होने के लिए छुट्टी मांगकर गांव आए थे। बुधवार सुबह वे काम पर वापस लौटने के लिए घर से निकले थे, तभी ये हादसा हो गया। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है। कोदवाई के पास हादसे में मृत दोनों अज्ञात युवकों की शिनाख्त करने में पुलिस को मुश्किल आ रही थी। आसपास के लोग युवकों को पहचानते नहीं थे, न तो उनके पास से कोई पहचान पत्र या कोई अन्य दस्तावेज मिला। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन जो सड़क हादसे में पूरी तरह से टूट चुका था, जैसे तैसे उस मोबाइल से सिम निकालकर अस्पताल के कर्मचारी ने उसे अपने मोबाइल में लगाया और पुलिस की मौजूदगी में अंतिम बार कॉल किए गए नंबर पर बात की, तो वो नंबर मृत युवक की गर्लफ्रेंड का निकला। युवक की गर्लफ्रेंड ने युवक की पहचान और उसके घर का पता बताया, तब जाकर अस्पताल स्टाफ और पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस ने मृतकों के घर पर हादसे की सूचना दी। युवती से ही पुलिस को पता चला कि दोनों आपस में ममेरे फुफेरे भाई हैं और होटल में काम करते हैं। वे अपने घर पूजा में शामिल होने के लिए कल ही गए थे और आज ये हादसा हो गया।